गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ नए नए ट्रिक के साथ। ट्रिक के दो तीन वीडियो मैंने दे चुका हूँ आप लोग को, जो आप लोग बेहद ही पसंद किए, बहुत अच्छा लगा हमको। आज उसी एक टॉपिक है, शर्ट्स एंड इंडिसेस का दूसरा ट्रिक लेकर आए हैं, जो कि एक रूट वाला जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी रूट का आज भी क्वेश्चन हम ट्रिक से सलूशन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे क्वेश्चन ये रहे तो इसको हम सलूशन कैसे करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन रहे बट डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक रहे, तब तो हमने बताया था कि इसके रूट में जो वैल्यू लिखी रहेगी वही उसका मेरा एग्जैक्ट आंसर होता है। बट ये इनफाइनाइट टर्म तक नहीं है, इसमें रूट सिक्स तीन टर्म दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम पहले मेथड से सोलूशन करते हैं देखते हैं कि मेथड मेरा क्या कहता है, कैसे सोलूशन किया जाता है इसका। तो हम लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि ये जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। कि कहीं पर अगर जैसे लिखा हुआ है रूट का फोर लिखा हुआ है, अगर हम इस रूट की वैल्यू अगर ये रूट को हम रिमूव करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2। तो इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 कैंसिल होता है, 2 के पावर 1 इट मीन्स कि 2। इसलिए मेरा ये रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। उसी पे डिपेंड है कि ये जो रूट है इसको हम कैसे सोलूशन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इस 6 के रूट को रिमूव करें तो ये 6 की पावर 1/2 लिखेंगे बीच में मल्टीप्लाई। अगर हम इस 6 के रूट को अगर करते हैं रिमूव तो एक रूट तो इसके ऊपर था और एक रूट इसके नीचे है, कितने रूट हो गए, 2 रूट। तो इसके लिखेंगे 1 के पावर 1/4 मल्टीप्लाई भाई, यहाँ देखें तो 1, 2, 3 कितने रूट है, 3, ये हो जाएगा 6 पावर 1/8, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6। हम एक्सपोनेंट एक चैप्टर उसमें पढ़े हैं कि जब a के पावर m होता है तो a के पावर m + n हो जाता है। ये फार्मूला है जो कि हम पिछली क्लास में पढ़े हैं कि जब मेरा बेस सेम होता है, रूट कुछ भी होता है, तो रूट आपस में इंक्लूड हो जाता है, कब, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब। तो इसी तरह ये जो पावर है, पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/2 + 1/4 + 1/8 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 6 8, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 4 2 जा 8 2 + 8 4 2 सॉरी 1 होगा 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 6 पावर 7/8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो भाई मेथड रहा कि जिस तरह से हम एकेडमी में पढ़ते हैं और उसको सोलूशन करते हैं, इस तरह से इसको सोलूशन करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब मेरा ट्रिक क्या कहता है कि अगर हमको ट्रिक से इसको सोलूशन करना है तो कैसे करेंगे, विद इन अ सेकेंड कैसे करते हैं। तो इसको देखते हैं कि सपोज कर लो कि ए और दिया हुआ है, इसमें रूट में 6 दिया हुआ है और क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं कि यहाँ पर रूट में 6 है, यहाँ तक सवाल में इतना दे दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका हम क्या करते हैं बाय ट्रिक कैसे सोल्यूशन करते हैं। ट्रिक में एक आता है कि ये जो वैल्यू है रूट में उसको हम लिखते हैं और इसके लास्ट वाला जो वैल्यू है रूट में वहाँ से सारे रूट को हम काउंट कर लेते हैं, कितना होगा 1 2 3 4 5 हुआ, 2 के पावर 5 हम लिखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आएगा, 32 आएगा। जो ये आएगा उससे एक कम करके यहाँ पर हम इसके पावर में लिख देते हैं, 32 आया तो हम यहाँ पर 31/32 लिख देंगे, इट्स योर आंसर।
ये मेरा आंसर रहेगा। कब? जब ये इनफाइनाइट टर्म तक नहीं रहेगा, ध्यान देना, तभी कि यहाँ पर जो रूट है, जैसे अब हम क्वेश्चन एक चेंज करते हैं, ये थ्री है, इतना दिया क्वेश्चन, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर रूट में क्या है, थ्री है, तो थ्री हम लिख लेते हैं पहले। अब इस रूट को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गया, तो 2 के पावर 4, इस मीन्स के 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये होगा 16 इसकी वैल्यू। तो जब 16 हो जाएगी वैल्यू, तो वो 16 से मैंने बताया कि एक कम करेंगे, तो हो जाएगा 15 बाई 16, इट्स योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन SSC बैंक रेलवे में 1-2 जरूर पूछते हैं, और जो इस तरह के हमने क्वेश्चन बता रहे हैं, ये टाइप तीसरा है, तीसरी टाइप के क्वेश्चन है जो इसमें बताया है मैंने। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रेलवे बैंक SSC में आते हैं, और देखकर क्वेश्चन हम लोग डर जाते हैं या नहीं करते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया तो इसको हम स्टार्ट कैसे करें, शुरू कैसे करें इसका सलूशन करने के लिए। तो इसको देखने से हमको एकदम डरना नहीं है, इस ट्रिक से हम विद इन अ सेकेंड में केवल क्वेश्चन देखेंगे और उसका तुरंत आंसर बता देते हैं। तो आई होप कि ये ट्रिक आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए हम दोनों मेथड बताते हैं कि सपोज करो कि माय बाय ट्रिक फेल हो गया तो हम उसको मेथड से अपने कैसे सलूशन करेंगे। तो ये रहा आपका ट्रिक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे तो लास्ट वाला जो वैल्यू रहेगी उसको हमने लिखेंगे, और ये जो इतने भी रूट है ये सारे रूट को हम काउंट करेंगे और उसके पावर में एक कम करके लिख देंगे, वही आपका आंसर रहेगा। अगर ये आप लोग को वीडियो, अब मेरा ट्रिक आप लोग को अगर समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपसे के जितने भी रिलेटिव हैं, संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनका भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।